आज भारत का हर कोना वीरता की गौरव गाथा गा रहा है। जी हाँ, 9 जून को हम महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और महाराणा प्रताप की वीरता को सलाम करें। जय हिंद। ये वो दिन है जिस दिन भारत के इतिहास के एक महान सपूत महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग ही जुनून आ जाता है। तो आइए आज महाराणा प्रताप की बहादुरी की कहानी को एक बार फिर से याद करते हैं, उनके जीवन से सीखते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो बहादुरी, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत देशभक्त थे। वो एक कुशल योद्धा, एक दूरदर्शी राजा और एक महान इंसान थे। आगे चलकर उन्होंने मेवाड़ की जिम्मेदारी संभाली और मुगल बादशाह अकबर से टक्कर ली। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का नाम हल्दीघाटी के युद्ध से जुड़ा है, जहां उन्होंने अकबर की विशाल सेना का डटकर सामना किया। हालांकि उन्हें इस युद्ध में हार मिली, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। महाराणा प्रताप को रणखापर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज हमें महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। 18 जून 1576 एक ऐसी तारीख जिसे भारतीय इतिहास कभी नहीं भूल सकता। यह वो तारीख थी जब मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का डटकर सामना किया था। हल्दीघाटी का यह युद्ध बहादुरी और बलिदान की एक मिसाल है। एक तरफ थी अकबर की ताकतवर सेना, दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप अपने सीमित साधनों और बहादुर राजपूत सैनिकों के साथ। यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह युद्ध था आत्मसम्मान और आजादी का। महाराणा प्रताप ने अपने प्यारे घोड़े चेतक के साथ अद्भुत पराक्रम दिखाया। चेतक की वफादारी और महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से आज भी मशहूर हैं। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन उन्होंने मुगलों को यह बता दिया कि राजपूत कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। हल्दीघाटी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक प्रेरणा थी, एक जज्बा था जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हमें हल्दीघाटी के वीर शहीदों को नमन करना चाहिए और उनके बलिदान को याद करना चाहिए। हर साल 9 जून को मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में महाराणा प्रताप की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मेवाड़ में तो यह त्योहार और भी खास हो जाता है, हर तरफ एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिलता है। इस दिन महाराणा प्रताप के जन्म स्थान कुंभलगढ़ में विशेष पूजा और आरती होती है। हजारों लोग यहाँ आकर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हैं। मेवाड़ के राजघरानों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महाराणा प्रताप की झांकी सबसे खास होती है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य और संगीत भी होते हैं। कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में भी महाराणा प्रताप के जीवन पर भाषण और कविता पाठ होते हैं। कुल मिलाकर मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जयंती एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार की तरह मनाई जाती है, जो हमें बहादुरी, त्याग और स्वाभिमान का संदेश देती है। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियां मशहूर हैं, जो हमें उनकी बहादुरी, त्याग और दयालुता की एक झलक दिखाती हैं। एक कहानी है जब मुगल सेना से युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। उनके एक वफादार सैनिक ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। रास्ते में उस सैनिक को प्यास लगी तो महाराणा प्रताप ने अपने घाव से बहते हुए खून से उसकी प्यास बुझाई। यह कहानी उनके त्याग और सहानुभूति की एक मिसाल है। एक और कहानी है जब हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिपे हुए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तभी एक बिल्ली ने उन्हें एक रोटी दी। महाराणा प्रताप ने वह रोटी खाने से पहले उसके दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा उस बिल्ली को दे दिया। यह कहानी उनकी नम्रता और दयालुता को दर्शाती है।
महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी भी हौसला नहीं हारा और ना ही कभी मुश्किलों के आगे हार मानी। उनकी यह सीख हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें भी उनकी तरह बहादुर, साहसी, न्यायप्रिय और दयालु बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप की गौरव गाथा, एक ऐसे राजा की कहानी जिन्होंने अपनी आन बाण और शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमें जरूरत है उनके आदर्शों को अपनाने की, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की। वीरता को सलाम करें। जय हिंद।